माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज बहुत ही प्रभावी बैठक लॉकडाउन 3 के अंतर्गत आज बैठक की। सर्वप्रथम उन्होंने उद्योग धंधों को भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के आधार पर चालू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए हर हालत में औद्योगिक गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने प्रोटोकॉल भी दिया है कि चेकिंग जो है होती रहे लोगों की नियमित रूप से, उस प्रोटोकॉल पर उन्होंने निर्देश दिया है कि चालू हो। उद्योग विभाग के सभी अधिकारी सभी जिलाधिकारियों से संपर्क में हैं और जहाँ जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जहाँ SEZs हैं, जहाँ पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, जहाँ पर अन्य औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनको परमिशन दी जानी है, उनको विशेष रूप से एक ड्राइव चलाकर जो है उनको चालू करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और सभी जिलाधिकारियों को जो है आदेश दिया है कि उनको जल्दी से जल्दी चालू करें और उनमें कहीं कोई बाधा ना आए। उद्योग धंधों को गति प्रदान करने के लिए नीतियों में भी संशोधन करने का निर्देश उन्होंने दिया है कि नई सेक्टोरल नीतियां जो है उद्योगों की तुरंत लाई जाए, सिंगल विंडो को और मजबूत कैसे किया जाए, ये भी बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री जी जो है उस पर निर्णय लेने जा रहे हैं और उसमें बहुत जल्दी कैबिनेट में निर्णय आएगा। लेबर रिफॉर्म्स पर भी आज उन्होंने कहा कि विद इन 2 डेज लेबर रिफॉर्म के प्रस्तावों पर भी अंतिम निर्णय करा दिया जाए और इसी कड़ी में लेबर सेक्रेटरी साहब को और उनको सभी अधिकारियों को कहा गया है कि आज ही लेबर रिफॉर्म्स के प्रस्तावों को प्रस्तुत करके उन पर जल्दी से जल्दी जो भी पॉजिटिव निर्णय होने हैं वो तुरंत कर दिया जाए। आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश के कामगार श्रमिक काफ़ी प्रदेशों में हैं और निरंतर उनको हम लोग ला रहे हैं। अब तक लगभग 63,958 लोगों को से अधिक, यानी लगभग 65,000 से अधिक लोगों को प्रदेश में विभिन्न श्रमिकों को, कामगारों को, छात्रों को लाया जा चुका है या एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा चुका है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कल किया था, मैंने आपको कल अनाउंसमेंट किया था, जन सुनवाई पोर्टल JANSUNWAI.UP.NIC.IN पर यदि कोई भी व्यक्ति बाहर है, हमारे प्रदेश के बाहर है, वो दर्ज करा सकता है अपना नाम, और यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश से बाहर जाना चाहता है तो वो भी अपना नाम दर्ज कराना चाह सकता है JANSUNWAI.UP.NIC.IN। इस पोर्टल का इस्तेमाल करें। कल से आज तक में काफ़ी संख्या में लोगों ने पोर्टल पर जो है अपना नाम दर्ज कराया है JANSUNWAI.UP.NIC.IN JANSUNWAI.UP.NIC.IN। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भी अब चरणबद्ध रूप से जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रस्ताव के अनुसार समय समय पर उनको लाया जाएगा। उसकी योजना बनाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है कि लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट और लखनऊ और वाराणसी शहर में फिर इनको 14 दिन या उससे अधिक क्वारंटाइन, जो भी नॉर्म्स तय होंगे उतने दिन क्वारंटाइन रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। ये प्रक्रिया भी अब धीरे धीरे शुरू होगी और जब भी भारत सरकार अनुमति देगी लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट को यूज किया जाएगा। इसके साथ साथ कोविड हॉस्पिटल्स की और मजबूती से सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, टेस्टिंग क्षमता को और मजबूत करने के लिए, टेस्टिंग क्षमता को जो है अब जो लगभग 5,000 से अधिक हो गई है वो, उसके बारे में जो है मैं अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बताएंगे, बहुत सारी नई मशीनें भी, टेस्टिंग मशीन यूपी में आ गई हैं, उसमें भी काफ़ी इजाफा अब टेस्टिंग क्षमता में होगा और पूरे देश में हमारा प्रदेश टेस्टिंग में अग्रणी होगा। इस ओर भी जो है कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पुनः कराई जाए, कोरोना सहायता कॉल सेंटर जो है
1800 1805145 1800 1805145। इस कॉल सेंटर का प्रचार व्यापक रूप से हो। कोरोना के बारे में कोई जानकारी अगर किसी को चाहिए तो इस कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। मेडिकल संक्रमण नियंत्रित हो, ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। नई टेस्टिंग लैब लगाने के लिए भी उन्होंने जो है बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के साथ साथ उसको भी करने का कार्य किया है। आपको मालूम है कि जब भी टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित होती है तो बहुत सारा बायोमेडिकल वेस्ट आता है और उसका भी निस्तारण सुरक्षित रूप से करना एक उसके प्रोटोकॉल का भाग है। इस कार्य को भी हमारी जो पुलिस, जो हमारी मेडिकल टीम है वो सुनिश्चित करा रही। पुलिस बल और मेडिकल टीम के कोरोना से संक्रमण न हो, आज पुनः उन्होंने जो है स्वास्थ्य विभाग को और DGP साहब को ये निर्देश दिए हैं। मेडिकल क्षेत्र में रिकवरी की दर अभी हमारे प्रदेश की 33% है और राष्ट्रीय औसत जो है रिकवरी का भी 27% है, 27। यानी मेडिकल रिकवरी की दर पूरे देश में राष्ट्रीय औसत से हमारा 6% ज़्यादा है। इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की और ये निर्देश दिया कि यदि एक और कोविड हॉस्पिटल्स लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तेजी से बढ़ाए जाएंगे। ऑक्सीजन की व्यवस्था काफ़ी हॉस्पिटल्स में लेवल 2 पे कर ली गई है। नए आज जो है बताया गया कि नए 20 जो है इक्विपमेंट मेडिकल के वहाँ सभी हॉस्पिटल्स में आ गए हैं जो उनको देने हैं हॉस्पिटल्स में अपग्रेड करने के लिए। ऐसे में बहुत मजबूती से चूंकि कार्य हो रहा है और लोगों को अच्छी और बेहतर और अपग्रेडेड सुविधा मिलेगी तो मृत्यु दर को कम करने में आसानी होगी। जैसी कोई पेशेंट आए उसको तुरंत सुविधा अच्छी बेहतर मिल जाए, ये अगर हो जाता है तो इसका फायदा प्रदेश को मिलेगा। ये पूरी व्यवस्था एक साथ कर ही जा रही है। डोर स्टेप डिलीवरी सप्लाई चेन को और मजबूत करने का निर्देश दिया है और साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर पर विशेष ध्यान देने को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो साफ रहे, स्वच्छ रहे, वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी मजबूत रहे और क्वारंटाइन सेंटर में नोडल अधिकारी जिम्मे से काम करें और ऐसा काम करें एक बार उनको ये अवसर जो मिला है उस कार्य को आगे ले जाएं। मुख्यमंत्री जी ने मंडियों की सारणी के लिए बदलने का निर्देश दिया था। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जो रिटेल मंडी है उसका निर्देश गृह विभाग से जारी हो गया है। रिटेल मंडी का सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खोलने का निर्देश जारी हो गया है। सभी जिला प्रशासन से, पुलिस से, मंडी के अधिकारियों से हिदायत है कि भीड़ कम करने के लिए कोशिश करें कि समय ज़्यादा दें जिससे कि भीड़ कम रहे और साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। जो श्रमिक और कामगार है उनको दुग्ध समितियों से और दुधारू पशुओं से भी जो है कैसे जोड़ा जाए, ये प्रमुख सचिव दुग्ध विकास को निर्देश दिया है। जो पशु हैं उनका खुरपका मुंहपका और इस तरह के रोगों से उनको कैसे बचाया जाए इस ओर भी जो है उन्होंने आदेश विशेष रूप से दिया है कि इस कार्य को भी बहुत मजबूती से कराया जाए। आपको हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि अभी तक जो हमारे यहाँ ट्रेन्स आ चुकी हैं लगभग 10 से अधिक ट्रेन्स आ चुकी हैं। आज करीब करीब 5 या 6 ट्रेन जो है लगभग आने की संभावना है। 9 ट्रेन हमारी चल चुकी हैं और 6 ट्रेन जो है हमने सहमति दे दी है वो भी जल्दी आ जाएंगी। यानी 29 ट्रेनों की जो है व्यवस्था हम लोग अब तक कर रहे हैं और निरंतर हर घंटे मॉनिटर करके गृह विभाग के कंट्रोल रूम में ट्रेनों को अनुमति जो है आने की, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को आने की अनुमति दी जा रही है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रमुख सचिव पंचायती राज में बताया है कि मनरेगा में जो श्रमिक अब कार्य कर रहे हैं वो 15,46,896 कार्य कर रहे हैं जो पूरे देश में द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया है। यानी सबसे अधिक जो है प्रदेश के बाद द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश 15,46,000 श्रमिकों के साथ कुल 58,906 ग्राम पंचायतों में 37,694 ग्राम पंचायतों में कार्य उसने शुरू कर दिया है। ये एक अचीवमेंट उत्तर प्रदेश का है।
और मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि मनरेगा में जो श्रमिकों को अनस्किल्ड लेबर को लगाया जा रहा है ये संख्या और बढ़ाई जाए और प्रदेश को पहले स्थान पर लाने की कार्रवाई सुनिश्चित हर हालत में की जाए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे फेक न्यूज पर एक अभियान चलाया गया है और फेक न्यूज के अभियान में अब तक 31 प्रकरणों में FIR दर्ज कर दी गई है। 39 प्रकरण में कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया, 2 प्रकरण में अकाउंट या पोस्ट डिलीट कर दिया गया या माफीनामा आ गया, 22 प्रकरणों में URL ही डिलीट हो गया और 57 प्रकरणों में जो है ID ही डिलीट हो गया और 190 प्रकरण ऐसी है जिसमें फेसबुक और ट्विटर को अब रिपोर्ट भेज दी गई है। तो फेक न्यूज पर भी काफी मात्रा में जो है कार्रवाई सूचना विभाग के और गृह विभाग के माध्यम से कर दी गई है। गृह विभाग के हॉटस्पॉट्स के एरियाज में निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और अब तक 37,136 FIR दर्ज कर दी गई हैं और यदि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर किसी भी रूप में जो है नियमों का उल्लंघन होगा कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 35,000 से अधिक 35,500 वाहन सीज कर दिए गए हैं और अब तक 15 करोड़ रुपया जो है चालान से जमा भी हो गया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि APC साहब के अनुसार जो खाद्यान्न की व्यवस्था है उसमें जो है अब दूध में लगभग 34.5 लाख लीटर दूध कल वितरित हुआ है, 44,500 लोग जो है वाहनों से डिलीवरी होम डिलीवरी की जा रही है, किराना स्टोर 51,732 खुल गए हैं और अब निरंतर चूंकि लॉकडाउन 3 में जो है किराना स्टोर खोलने की परमिशन है स्टैंड अलोन तो निश्चय ही इसमें भी संख्या बढ़ती जा रही है और तीसरे चरण में जो राशन कार्ड हैं उन पर तीसरे चरण में भी जो है राशन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है और अब तक जो है कुल 3,50,00,000 कार्ड जो हमारे प्रदेश में हैं उसमें 2,15,00,000 कार्ड्स पर वितरण राशन का हो गया है और लगभग 68,00,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण हो गया है, 68,74,788 मेट्रिक टन, ये लगभग 2,15,37,165 यानी बहुत तेजी से काम हुआ है और लगभग 60% कार्ड्स में 5 दिन में ही खाद्यान्न का वितरण हो गया। पूरे देश में कहीं भी खाद्यान्न का वितरण इतनी ज्यादा संख्या में इतने कार्डों पर एक साथ कभी हुआ ही नहीं। ये मई का है, तीसरे चरण का है जी, मई में 5 दिन में हो गया है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कल जो है पुनः लगभग 12.5 लाख फूड पैकेट का जो है वितरण किया गया है। गेहूं क्रय केंद्रों में भी काफी तेजी से काम हो गया है और अब 123,00,000 क्विंटल गेहूं की खरीद मंडी के माध्यम से और मंडी के बाहर भी खरीद कर दी गई, तो ये काम भी बहुत तेजी से हुआ है। और आपको हम ये भी बता दें कि अब 8,500 से ज्यादा इकाइयां जो हैं उद्योग विभाग की चालू हो गई हैं और इन इकाइयों को चालू करने का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, ये कार्य भी बहुत तेजी से जल्दी ही हो जाएगा। मैं इस अवसर पर यह भी आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी आज रिव्यू किया है उसमें ये भी जो है उनको अवगत कराया गया कि जो इमरजेंसी सेवा है चिकित्सा विभाग की उसमें जो है काफ़ी सुधार हुआ है और काफ़ी जगह डॉक्टर्स अपना बहुत मजबूती से सहयोग कर रहे हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जी इसमें जो है बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। एक ये पुनः जो है आपको बताना चाहेंगे जो हमारा ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-5145 इस पे कोरोना के अलावा चिकित्सकीय परामर्श भी जो है व्यापक रूप से दिया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार जरूर जो है आप लोग कराने का कष्ट करें। 1800-180-5145 इस पे डॉक्टर्स अन्य परामर्श भी जो है दे रहे हैं, इसको जो है बहुत तेजी से ये पॉपुलर भी हो रहा है और हम चाहेंगे कि लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। हर जनपद में फ्लैग मार्च भी जो है पुलिस विभाग द्वारा DGP साहब ने बताया हर जनपद में फ्लैग मार्च हो रहा है, कई जगह DMSP खुद भी फ्लैग मार्च की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। कोरोना की इस पूरी लड़ाई में प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से तत्पर है।
Thank you.